झांसी में एंटी करप्शन टीम ने लेखपाल को 6000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। लेखपाल ने एक प्लॉट का दाखिल खारिज करने के एवज में रुपए मांगे थे और बताया जा रहा है कि गुदरी निवासी रवि ने टाकोरी में जमीन ली थी। इसके दाखिल खारिज के एवज में लेखपाल बद्री प्रसाद दीक्षित ने 6000 रुपए की मांग की थी। इसके बाद पीड़ित ने एंटी करप्शन टीम से शिकायत की। एंटी करप्शन टीम ने जिले की टीम के साथ लेखपाल को रंगे हाथों पकड़ लिया और आगे की कार्रवाई के लिए सीपरी थाने ले आई। पूरी मौजा में वसीम चौहान से 232 वर्ग फुट ज़मीन खरीदी थी, उसका वो करवाना था उसे दाखिल खारिज। दाखिल खारिज की तारीख थी 14/11/21, उस तक कोई आपत्ति नहीं आई। उसके बाद वो गया लेखपाल साहब के पास कि हमारा दाखिल खारिज करा दो। लेखपाल थे बद्री प्रसाद दीक्षित ठाकोरी क्षेत्र के, तो उनने उससे 6000 रुपया मांगे 26 तारीख को। वो रुपया देना नहीं चाह रहा था। 26 तारीख को जब रुपया 6000 मांगे तो उसके बाद 27 तारीख को वो आ गया हम लोगों के पास। तो यहाँ प्रभारी हमारे सुरेंद्र सिंह, इनने एप्लीकेशन लिखवाई है। एप्लीकेशन लिखवा के लखनऊ रिपोर्ट भेजी और 29 तारीख को लेखपाल साहब बोले घर पे पैसा लेके आ जाओ हमारे। 29 तारीख को आज तय हुआ था, आया वो 6000 रुपया लिए घर के बाहर आया।